मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। कंट्रोलर जो यूज़ करते थे पहले वाले वीडियो में, आज हम लोग वेलोसिटी कंट्रोल करेंगे पीआई कंट्रोलर के जरिए, और वो भी मोटर का, बैलेंस मोड के मोटर का। दोस्तों, तो ये मैकेनिकल सेक्शन हो गया हम लोगों का दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये जो वेलोसिटी एक्चुएटर है हम लोगों का, ये हमारा वेलोसिटी को एक्चुएट करेगा। स्प्रिंग डैम्पर के साथ कनेक्टेड है, और ये हम लोग का ट्रांसमिशन बेयरिंग और इनर्शिया के साथ कनेक्टेड है दोस्तों। तो अब ये जो बेयरिंग्स कनेक्टेड है, ये हम लोगों का एनकोडर ऑफ द मोटर के साथ कनेक्टेड होके मोटर के साथ हम लोगों का लिंक्ड है, जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने देखा हुआ है। और ये कंबाइंड है हम लोगों का इनपुट के साथ, जो हम लोगों का एक वेलोसिटी कंट्रोलर पीआई के साथ हम लोगों कंट्रोल होके कांस्टेंट गेन के साथ हम लोगों का ऑपरेट हो रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 0.05 हम इसको ले लेते हैं गेन को। अब ये वेलोसिटी एक्चुएटर के साथ हमारा एक्चुएट करेगा, और उसके हिसाब से ही हमारा जो वेलोसिटी कंट्रोल है वो रिएक्ट करेगा। इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया, और देख सकते हैं दोस्तों कि जो लेफ्ट मोटर है उसको हम लोग स्टेशनरी रख रहे हैं, बाकी राइट मोटर पे हम लोग का सारा काम हो रहा है। तो इसको जीरो डमी वैल्यू पे हम लोग लेफ्ट मोटर को रखते हैं, और राइट मोटर जो है हम लोगों का, इस पर हम लोग जितने भी सारे हमारे इनपुट्स हैं, वेलोसिटी फीडबैक के इनपुट्स, मोशन प्रोफाइल के इनपुट्स, ये सारे इनपुट्स गेन के, तो ये सारे चीज़ें हम लोग इसमें, एरर के भी इनपुट्स, तो ये सारे चीज़ें हम लोग कंबाइन करके एक जगह हम लोग मोटर्स पे ही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों। तो अब देखिए, पैरामीटर्स में हम लोग जब जाएंगे, तो डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स में हम लोग जब जाएंगे, तो उसके वैल्यूज़ हैं। आप चाहो तो इन पैरामीटर्स के साथ खेल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मिलेगा आपको। तो मान लीजिए कि आप किसी मोशन प्रोफाइल, आपको जो दिया गया है इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं, तो उसको आप स्टेबल करना चाहोगे या अनस्टेबल भी करना चाहोगे, तो वो बहुत अच्छे तरीके से रोल प्ले करता है, काम कर सकता है दोस्तों। और इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपका जो व्हील मोटर है उसके साथ वो आपको दिखेगा, और उसका ग्राफिकल जो हमारा डायग्राम है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, ये आपको डायरेक्टली विजुलाइज हो जाता है दोस्तों। तो ये इसकी खासियत है। तो इस पर आप वैल्यूज़ देख सकते हो, रियल वैल्यूज़ के जो वैल्यूज़ है ये हम लोगों ने देखा, और ये हमारा के का वैल्यू इसमें हम लोगों का कम्बाइंड है, और ये सिग्नल लिमिटर के साथ कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से हमारा राइट मोटर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये हम लोगों का एक तरीके से वेलोसिटी को कंट्रोल करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद हम लोग देख रहे हैं, जो ग्रीन वाला है ये हमारा वेलोसिटी रेफरेंस है, मतलब ऐसा होना चाहिए, बट जो एक्चुअल है ये पिंक वाला है। पिंक कलर से हमारा एक्चुअल हम लोग का क्या आ रहा है, और इसकी लीनियरिटी हम लोग कितनी अच्छी बना सकते हैं ताकि वो ग्रीन जैसा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीट्रिक वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। और आप इस प्रकार से आप इसमें वेरिएबल चूज़र में आप चले जाओ, और वैल्यू वेरिएबल चूज़र में जाके आप क्या कर सकते हो, जो इनपुट्स है उसको आप चेंज कर सकते हो, और उसमें एरर्स के जो सिग्नल्स है उसको अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे दोस्तों, हम लोग तीन डिफाइड कर दिए तीन इनपुट्स पे, तो हम लोग वेलोसिटी रेफरेंस देख सकते हैं, वेलोसिटी स्टिमुलेशन देख सकते हैं, और एक्स एरर जो था वो भी हम लोग देख लिए इस बार। अब हम लोग रियल टाइम टूल बॉक्स सी कॉर्ड जनरेशन में जाएंगे, 20SIM 4C 2.1 में जाएंगे। अब इसमें हम लोग वेलोसिटी कंट्रोलर को सिलेक्ट करते हुए हम लोग इसको ओके कर देंगे, तो दोस्तों ये हम लोगों का यस कर देंगे। अब 20SIM 4C हम लोगों का ओपन हो जाएगा, और ये हम लोगों का जो रियल एक्चुअल डिवाइस है उसके साथ हम लोगों का बैलेंस बोर्ड का ये कनेक्ट होने लगेगा दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये काम किस प्रकार से करता है, रियल टाइम में ये काम किस प्रकार से करता है। तो देखिए, इसको पहले कॉन्फ़िगर कर दिया हम लोगों ने, अब इसके बाद हम लोग इसे कनेक्ट करना है दोस्तों, जैसे कि बाकी लेक्चर्स में भी हम लोगों ने किए हुए हैं, उसी प्रकार से इसे करना है दोस्तों। सिलेक्ट करते जाना है, हम लोगों ने राइट मोटर को सिलेक्ट किया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया। अब कंपाइल के लिए हम लोग आगे बढ़े हुए हैं, तो अगर ये सक्सेसफुली कंपाइल, जिस तरीके से कमांड हम लोग का सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, इसके बाद हम लोग कमांड में जाएंगे। कमांड में आप चाहो तो वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर सकते हो, बट आप चाहो तो रहने भी दे सकते हो। हम लोग यहाँ पर रहने दे रहे हैं वैल्यूज़ को। अब देखिए दोस्तों, हम लोग लॉग पर जाएंगे। लॉग में यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है,
जो वेलोसिटी फीडबैक है इसको हम लोग को लॉक कर देना दोस्तों, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट टर्म है। और यहाँ पे हम लोगों को मोशन प्रोफाइल में जाना है और इसको भी हम लोगों को आउटपुट को वेलोसिटी आउटपुट को लॉक कर देना है, मतलब इसके आउटपुट्स को हम देखना चाहते हैं, विजुलाइज करना चाहते हैं इनके आउटपुट्स को। आप दूसरे चीज़ों को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी को ही करना है, बट आउटपुट को ही देखना होता है दोस्तों। तो ये फिगर आ गया, इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ताकि हम लोगों को मोटर का जो रोटेशन है वो दिख सके। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इस व्हील के सामने हम लोग आ गए हैं। अब इस व्हील को जो देख रहे हैं दोस्तों, इस व्हील पे हम लोगों ने क्या किया, ये सारा पैरामेट्रिक वैल्यू को असाइंड कर दिया है। अब हम लोग लॉग में जाके इसको अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि ये सारा चीज़ अब देखिए रोटेट करेगा, एक ही बार रोटेट करेगा दोस्तों, दो बार रोटेट नहीं करेगा, एक ही बार रोटेट किया। और इसका जो ग्राफ है ये देखिए दोस्तों प्लॉट हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये वेलोसिटी कंट्रोलर में हम लोगों का पीआई का जो आउटपुट है ये हम लोगों को मिल चुका है दोस्तों। और हम लोगों ने क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस किया था तो यहाँ हम लोगों को अब पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा अच्छा हम लोगों को आउटपुट मिला है। तो दोनों आउटपुट्स को आप कंपेयर भी कर सकते हो, ये दोनों आउटपुट को आप कंपेयर करके देख सकते हो दोस्तों, दोनों में आपको थोड़ा वेरिएशन नज़र जरूर आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर आप क्या करोगे ना, मोशन प्रोफाइल में आप चले गए। मोशन प्रोफाइल में जैसे आप चले जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉक कर दिए, फिर आपने लॉक जब कर दिए तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फिर से रोटेशन मिलेगा। और ये जब रोटेट कर गया दोस्तों, ये हम लोगों का रोटेट कर गया, अब आउटपुट भी हमें मिलेगा इस प्रकार से, ये आउटपुट मिला। अब इस आउटपुट को हमें देखिए दोस्तों विजुलाइज करना है, अब बांट देना है। तो ये हम लोग का ऊपर वाला हो गया मोशन प्रोफाइल और नीचे का हो गया वेलोसिटी फीडबैक प्लॉट हो गया। तो चलिए दोस्तों, ये सक्सेसफुली हम लोगों का टास्क डन हो गया। अब यहाँ पे कुछ पैरामेट्रिक्स वैल्यूज को हम लोग चेंज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं अप्लाई करने पे हम लोग आउटपुट पे क्या रिएक्शन आ रहा है। फिर से ये रोटेट करेगा दोस्तों, अब देखिए ग्राफ प्लॉट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए तो हमने जैसे ही चेंज किया ये हम लोगों का थोड़ा सा आगे निकल के आया। तो इस प्रकार से आप मोशन प्रोफाइल में वेलोसिटी फीडबैक को आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसका ग्राफिकल मॉडल को प्लॉट करके देख सकते हैं कि कितना आगे पीछे हो रहा है, आपको क्या करना चाहिए, वैल्यूज को कितना असाइंड करना चाहिए कि उसके साथ रियलिटी में आए, जैसा है रेफरेंस में उस रेफरेंस को हम लोग मैच करा सकते हैं, उसे डेविएट भी करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।